अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त विंटर से रिलेटेड एक छोटी सी रेमेडी ट्राई करेंगे। वो बनेगी जी कोकोनट ऑयल के साथ, बहुत अच्छी है। आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है ना विंटर में, ख़ास तौर पे जो हमारे हैंड होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पानी यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वजह से। तो उसके लिए हमें जो फर्स्ट पे चाहिए वो है ग्रेसलीन। ग्रेसलीन हमें चाहिए होगी जी 2 टेबल स्पून, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ग्रेसलीन तो डी मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, समझ लें कि एक बेस्ट चीज़ है, ठीक है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, किसी भी रेमेडी में अगर ट्राई करेंगे तो ग्रेसलीन जो होगी वो मस्ट होगी विंटर के लिए। उसके बाद जी हमें चाहिए होगा जी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी आपने लेना है जी 2 टेबल स्पून। ये आपने दोनों हाथों के लिए इतना बनाना है कि जो आप उसी टाइम इसको यूज़ कर सकें। मैंने 3 चम्मच इसलिए लिया था क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार ट्राई करना था। अच्छा, इसके साथ आपने लेना है जी विटामिन ई का कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। ये मुझे 100 का पूरा पैक मिला था तो मैं ले आई थी। अब हम इसमें डालेंगे जी एक ऑयल, ठीक है। अगर आपके पास ऑयल फॉर्म में है, ऑयल की बोतल है, तो आप वो भी कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है लोगों के पास ये इजीली अवेलेबल होता है तो वो ये मेडिकल स्टोर से बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये एक आपने लेना है, ये हाथों की वाइटनिंग के लिए होता है। ग्रेसलीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। कोकोनट ऑयल के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, वो आपकी बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अलावा विटामिन ई आपकी स्किन को ब्राइट करता है। हमें चाहिए होगा इसके लिए एक जो है वो ग्लव्स। ये आपको भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ के मिल जाएंगे, और ये आपने हाथों के ऊपर लगा के ग्लव्स लगा लेने हैं, ठीक है। ये आपने अपने फारिग टाइम पे करना है। आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट्स अपने हाथों पे, अगर पाँव पे लगा सकते हैं तब भी ठीक है। पाँव पे लगाने के बाद आप उसके ऊपर कोई भी शॉपर या कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं, और हाथों पे आप ये ग्लव्स लगा लें, ठीक है। 20 से 25 मिनट्स आप इसको लगा लें, और अगर आपके ग्लव्स खुले हैं तो बैक साइड पे आपने कोई भी ना टाइट करने के लिए बैंड लगा लेना है। अच्छा, ये मैंने लगाया था, ये देखें। उसके बाद मुझे हैंड वॉश करना नहीं है आपने, और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, और मैंने इसको दिन में 2 दफ़ा अप्लाई किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अपनी एक छोटी सी रेमेडी के साथ। अल्लाह।